नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में खेला गया टेस्ट मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। टीम इंडिया ने महज 2 दिन के भीतर ही इंग्लैंड की टीम को ढेर कर मुकाबले में दमदार जीत हासिल की। 5 दिन का टेस्ट मैच महज 2 दिन में खत्म हो गया और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। भारत ने इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसी ही जीत हासिल की थी। भारत ने अहमदाबाद में अक्षर पटेल और अश्विन की शानदार गेंदबाजी के दम पर इंग्लिश टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहली पारी में अक्षर पटेल ने 6 विकेट, वहीं अश्विन ने 3 विकेट चटकाए थे। इंग्लैंड की पहली पारी 112 रनों पर सिमट गई थी। दूसरी पारी में अक्षर ने 5 तो वहीं अश्विन ने 4 इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट किया। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 81 रनों पर ढेर हो गई और भारत के सामने 49 रनों का लक्ष्य आया था। अहमदाबाद टेस्ट मैच इतिहास का 22वां ऐसा मुकाबला है जो महज 2 दिन में खत्म हो गया। पिछली बार भारत ने जून 2018 में अफगानिस्तान के खिलाफ बेंगलोर में 2 दिन में टेस्ट मैच जीता था। 1877 से टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया यह टेस्ट मैच 2412वां टेस्ट मैच था और अब तक के टेस्ट इतिहास में यह सिर्फ 22वीं बार था जब कोई टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हुआ हो, यानी 1% से भी कम टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हुए हैं। इंग्लैंड की टीम सबसे ज्यादा 13 बार 2 दिन के खत्म हुए टेस्ट में शामिल रही है। 9 मैच में उसे जीत मिली है जबकि 4 में हार। वहीं टीम इंडिया दूसरी बार 2 दिन के टेस्ट मैच में शामिल हुई और दोनों बार उसे जीत मिली। अंतिम बार बेंगलुरु में जून 2018 में भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच खेला गया था। मैच 2 दिन में खत्म हुआ था। भारतीय टीम ने यह मैच पारी और 262 रनों से जीता था। आपको बता दें, एशिया में तीसरी बार कोई टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हुआ है। सबसे पहले अक्टूबर 2002 में शारजा में ऑस्ट्रेलिया और पाक का टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो गया था। ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने पारी और 198 रनों से जीता था। इसके अलावा बेंगलुरु और अब मोटेरा में भी मैच 2 दिन में खत्म हुए हैं। आपको बता दें, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा 9 बार मैच 2 दिन में खत्म हुए हैं। ओवल के मैदान पर सबसे ज्यादा 4 मैच 2 दिन में खत्म हुए हैं। आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का 4था टेस्ट मैच भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।